अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने बॉलीवुड को दहला दिया है। ऐसा लगता है मानो बॉलीवुड दो खेमों में बट गया है, गॉडफादर सहित और गॉडफादर रहित। कंगना रनौत ने गॉडफादर रहित मोर्चे से आरोपों की बौछार कर दी है। उनका कहना है कि सुशांत उन लोगों से आहत थे जो मुंह पर तारीफ करते थे और उनका कॉल नहीं पिक करते थे। कंगना की बात को अगर पूरा सच मान भी लिया जाए तो केवल उपेक्षा और लोगों द्वारा आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाना केवल बॉलीवुड नहीं, भारत जैसे देश में जहां भाई भतीजावाद जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है, हमने इसे अपनी जिंदगी की अभिन्न सच्चाई मान लिया है। इसलिए केवल इस कारण से सुशांत ने आत्महत्या की यह पूरा सच नहीं है। दूसरा पहलू यह है कि सुशांत अगर इतने खतरनाक दौर से गुजर रहे थे तो उनके साथ रहने वाले लोग, उनके रिश्तेदार, उनके नज़दीकी मित्रों ने कोई SOS कॉल क्यों नहीं दी? जाहिर है उन्हें इसका पता नहीं था। सुशांत एक अत्यंत मेघावी और अंतर्मुखी स्वभाव का सीधा साधा इंसान था। बॉलीवुड के जहरीले, बनावटी, ईर्ष्यालु और टांग खींचने वाली प्रवृत्ति से अनभिज्ञ उसने शुरुआत में मिलने वाली सफलता और चकाचौंध को अंतिम सत्य मान लिया। उसे नहीं पता था कि यह एक फरेब था, नकली या वर्चुअल सफलता थी। यहाँ एक बात और है, सफलता बॉलीवुड में बिरलों को ही नसीब होती है। 2-3 फिल्मों में चेहरा चमकाने के बाद गुमनामी के अंधेरे में खो जाने वाले लोगों की एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन बहुत कम लोगों ने जिंदगी से हार मानी बल्कि इस सत्य को अपनाया और आगे चल पड़े। वन फिल्म वंडर अभिनेता राहुल राय को हम एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। महेश भट्ट जैसे दिग्गज ने गॉडफादर बनके आशिकी जैसे सुपरहिट फिल्म में उन्हें ब्रेक दिया, आगे भी उन्हें आजमाया, सफलता नहीं मिली। राहुल गुमनामी में खो गए पर हिम्मत नहीं हारी, बिग बॉस में भाग लेकर 1 करोड़ का इनाम जीता, अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। बॉलीवुड में इस वक्त डिप्रेशन, आत्महत्याएं और मानसिक दबाव से होने वाली मौतों का दौर चल रहा है। इसके कारणों को समझने के लिए हमें अभी बॉलीवुड में बदले हुए कार्यप्रणाली, हालात, कलाकारों के आपसी ताल्लुकातों का बारीकी से विश्लेषण करना होगा। सोशल मीडिया, वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स में नित्य नए टैलेंट के आते रहने से बॉलीवुड के पास कास्टिंग के लिए काफी ऑप्शंस मौजूद हैं। मल्टीप्लेक्सेस के आ जाने से नए स्टार्स की एक्सेप्टेंस काफी बढ़ी है। अब दिन लद गए स्टारडम और बॉलीवुड बादशाहत के। नए एंट्री किए हुए शख्स को अगर शुरुआती सफलता मिल गई तो ह्यूज मीडिया अटेंशन, बेशुमार पैसा, ग्लैमर से भरपूर लाइफस्टाइल में आप सेंटर ऑफ स्टेज होते हैं, कैमरे के फ्लैश चेहरे पर चमकते रहते हैं, सब कुछ का एहसास परीलोक जैसा, मानो ये समय कभी खत्म ही नहीं होगा। अब शुरू होता है फिल्मी रेव पार्टियों का दौर, जिसमें ड्रग्स और ब्यूटी यानी वुमेन का घातक कॉकटेल उपलब्ध होता है आप पर मर मिटने को। दोनों का नशा हावी होने लगता है, शुरू हो जाती है गर्लफ्रेंड और उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने का दौर। धूर स्वार्थ की वजह से संबंध बनाते लोग आपकी भावनाओं से खेलते हैं, इसका नतीजा होता है ब्रेकअप्स, और यहां से शुरुआत होती है निराशावाद यानी कि डिप्रेशन की। आप इससे बचने के लिए और नशे का प्रयोग करते हैं। आपके काम करने की क्षमता, आपका टैलेंट सब प्रभावित होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन फर्क डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पहचान जाते हैं, जिन्हें आप पर पैसा लगाना होता है और कमाना भी होता है। आपके पीछे आपकी सफलता से जलते लोग आपको अपनी जगह से हटाने और आपका कैरियर डुबाने के लिए आपके छोटी परेशानी को तिल का ताड़ बनाकर पेश करते हैं, नमक मिर्च लगाकर आपकी कहानी बेची जाती है। इसी बीच सीरियल्स और वेब सीरीज की मशीनों से नए टैलेंट की खेप बाहर आती रहती है। आपकी जगह लेने को आपके चहेते डायरेक्टर्स आपको अवॉइड करते हैं, आपकी कॉल रिसीव नहीं करते, आपका डिप्रेशन और गहरा हो जाता है, नशे की लत बढ़ती जाती है, फिल्में हाथ से निकलती रहती हैं, आपकी सफलता के साथ मजा लूटने वाली तितलियां आपके डूबते कैरियर और घटते बैंक बैलेंस को सूंघकर नए फूल की तलाश में निकल लेती हैं। यह एक ऐसा भावनात्मक झटका होता है जो आपके आत्मविश्वास और स्वाभिमान की नींव हिला कर रख देता है। कुछ लोग तो समय के साथ समझौता कर दोयम दर्जे की फिल्में और रोल निभाने लगते हैं।
लेकिन सुशांत जैसे जहीन और संवेदनशील अंतर्मुखी कलाकार सारी परेशानियों को जज्ब करते रहते हैं कि शायद खुद ब खुद ठीक हो जाए, लेकिन एक एक कर टूटते ख्वाबों ने उन्हें इतना निराशावाद के दलदल में ढकेल दिया कि वे अपनी जान देने पर मजबूर हो गए। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर सुशांत का इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर होता तो उसे यह कदम नहीं उठाना पड़ता। इसका दूसरा मतलब यह है कि बिना गॉडफादर वाले लोग फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव ही नहीं कर सकते, यह एक मिथ है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आशुतोष राणा, मनोज बाजपेयी, संजय मिश्रा और यहाँ तक कि अक्षय कुमार जैसे लोगों की सफलता ने इस मिथ को सिरे से खारिज कर दिया है। नए आने वाले टैलेंट को अगर इस इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो इस इंडस्ट्री में कदम कदम पर बिछाए ट्रैप से बचना होगा, क्षणिक सफलता के नशे में आए एटीट्यूड से पार खाना होगा। ड्रग्स और वुमेन नए टैलेंट को फंसने का अचूक जाल है। आमिर खान जैसे कलाकार ने साबित किया है कि बिना फिल्मी पार्टियों के भी अपना कैरियर बनाया जा सकता है। शाहरुख खान और अक्षय कुमार की बेदाग चरित्र और खुशनुमा पारिवारिक जीवन भी आपको उच्च स्तर का कलाकार बना सकती हैं। नाना पाटेकर जैसे अनुशासित और सादगी से भरा कलाकार एक्टिंग के नए आयाम गढ़ सकता है। सबसे बड़ा मूल मंत्र है सफल होते ही असफलता के दौर में मिलने वाली परेशानी से लड़ने का प्रबंध कर लें। अच्छी वित्तीय प्रबंधन आपको बुरे दौर में भी लड़ने का मादा देगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक स्ट्रगलर बनकर इस इंडस्ट्री में आने की हिम्मत रखते हैं तो एक फेल्योर बनकर भी दूसरे कामों में किस्मत आजमाने की कुवत रखें। नहीं तो निराशावाद के दलदल में डूबे अपने ही उलझनों से जूझते कलाकारों की जिंदगी का यूं ही पैकअप होता रहेगा।